नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज सुपर संडे है पॉलिटिक्स का, और सुपर संडे इसलिए है कि हाल के दिनों में बिहार की सियासत में सबसे ज़्यादा हलचल जिस बात को लेकर रही है वो इस बात को लेकर रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर रातों रात एक खेल हुआ। हालांकि रातों रात नहीं हुआ, इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा रही थी, लेकिन रातों रात स्थितियाँ बदल गई। रातों रात चिराग पासवान अलग थलग कर दिए गए लोक जनशक्ति पार्टी में, उनकी पार्टी के 5 सांसद एक गुट में आ गए, और उसके बाद का बाकी का सारा खेल आप जानते हैं क्योंकि लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। तो सुपर संडे क्यों है? सुपर संडे इसलिए है कि दिल्ली में चिराग पासवान का जो 12 जनपद स्थित आवास है उस आवास पर एक बैठक चल रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है चिराग गुट के नेताओं की। चिराग पासवान भी इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि ये बैठक वर्चुअल मोड में चल रही है, लेकिन चिराग पासवान के जो करीबी नेता हैं वो चिराग पासवान के घर पर मौजूद हैं, और ख़ासकर वो नेता बिल्कुल मौजूद हैं जो हमारे पास जानकारी है, जो कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने गए थे चिराग पासवान के साथ। इस बैठक में चिराग पासवान के अलावा चिराग पासवान के घर पर AK वाजपेयी, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान प्रवक्ता हैं, इस बैठक में अब्दुल खालिक जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इस बैठक में राजू तिवारी जिनको बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है चिराग पासवान ने, वो मौजूद हैं, तो और दूसरे तमाम नेता मौजूद हैं, और वर्चुअल तरीके से पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो मौजूद हैं, और चिराग पासवान को ये दिखाना है, और चिराग पासवान का यह दावा भी है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारा बहुमत है, और इसी को लेकर वो कल लोकसभा अध्यक्ष से भी मिले हैं, और उन्होंने कहा है कि पार्टी के संविधान के मुताबिक संसदीय बोर्ड संसदीय दल का नेता तय करता है, न कि 5 सांसद किसी के साथ चले जाएंगे तो वो हमारी पार्टी की तरफ से सदन में संसदीय दल का नेता होगा, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो। तो ये तमाम बातें चिराग पासवान ने कही हैं। तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, और आज की बैठक से क्या निकल कर सामने आने वाला है, जाहिर है आपके जहन में सवाल होगा। देखिए, आज की बैठक सिर्फ इसलिए नहीं बुलाई गई है कि पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता बन गए, उन्होंने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया लोक जनशक्ति पार्टी का, और चिराग पासवान इस खेल को खराब करना चाहते हैं, चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से निपटना चाहते हैं। सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं है, इस बैठक से बहुत कुछ निकलकर सामने आने वाला है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो इस बैठक से निकलकर सामने आने वाली है कि आने वाले दिनों में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, बीजेपी के साथ आगे बढ़ना है, बीजेपी के साथ आगे नहीं बढ़ना है। हालांकि चिराग पासवान ने ये संकेत जरूर दिए हैं कि वो बीजेपी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि बीजेपी इस पूरे मामले पर उनकी मदद करेगी, लेकिन मदद हुआ नहीं। हालांकि रातों रात जब खेल बदल सकता है, रातों रात पासा पलट सकता है, तो जाहिर है हो सकता है बीजेपी के तेवर भी बदल जाएँ, बीजेपी के तेवर नरम पड़ जाएँ, या बीजेपी को लेकर चिराग पासवान के तेवर नरम पड़ जाएँ। इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि चिराग पासवान इस बैठक के बाद बीजेपी का साथ छोड़ने का ऐलान कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं से चिराग पासवान ये चर्चा करने वाले हैं कि आने वाले दिनों में किस से गठबंधन करना है, किस दिशा में चलना है, बीजेपी को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स करनी है और प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी को साधने की कोशिश करनी है, या फिर बीजेपी का हाथ झटक कर आगे बढ़ना है किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ, किसी दूसरे राजनीतिक खेमे के साथ, गठबंधन के साथ। तो इस बैठक में एक तो ये निकल कर सामने आना है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान, हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान अब इस पूरे खेल को बिहार की पिच पर खेलना चाहते हैं। उनके बिहार आने का कार्यक्रम था, उनके करीबी सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया था, और तब हमने आपको एक खबर दिखाई थी, लेकिन चिराग पासवान ने अपने प्लान में थोड़ा परिवर्तन किया और वो चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वो अगर कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी तो वहाँ जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो चिराग पासवान ये चीज़ें देख रहे हैं, हो सकता है उसके बाद वो बिहार आएँ, या हो सकता है, उनके करीबी नेताओं का दावा है कि देखिए घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो चिराग पासवान कभी भी पटना आ सकते हैं, बिहार आ सकते हैं। तो चिराग पासवान बिहार की पिच पर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, इस खेल को खेलना चाहते हैं, इसलिए चिराग पासवान कोई यात्रा बिहार से शुरू कर सकते हैं, अपने मतदाताओं के बीच जा सकते हैं, प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक के उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके बीच जा सकते हैं,
और चिराग पासवान एक शक्ति प्रदर्शन चाहते हैं। जो ऑडियो लीक हुआ था, सामने आया था सोशल मीडिया पर, उस ऑडियो में भी इस बात के संकेत मिले थे। तो चिराग पासवान चाचा पशुपति कुमार पारस को ये बताना चाहते हैं, और सिर्फ चाचा पशुपति कुमार पारस को नहीं, जेडीयू को भी और दूसरे लोगों को भी ये बताना चाहते हैं कि देखिए हमारी ताकत क्या है और पार्टी संगठन और लोग हमारे साथ हैं, पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज इस बैठक में तय होनी है और इस बैठक से निकलकर सामने आने वाला है। हालांकि चिराग पासवान इस बैठक के बाद जाहिर है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीडिया को क्या जानकारी दी जाएगी इस बैठक को लेकर, इस बैठक के बाद वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।